हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे पालक दल चिकन, वो भी दीपिका कक्कर इब्राहिम स्टाइल। रिसेंटली दीपिका जी ने एक रेसिपी शेयर की थी जो डाइट के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। जो लोग डाइट कर रहे हैं या फिर जिम करते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट रेसिपी है। उन्होंने जैसे बनाई है मैं भी वैसे ही ट्राई करूंगी बनाने के लिए। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। और उन्होंने नॉन स्टिक की कढ़ाई ली थी। मैं यहाँ पे सिंपल सा जो सभी की घरों में अवेलेबल होती है उसी पे ही बनाऊंगी आज। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लहसुन ऐड किया था बारीक कटी हुई, और मूंग दाल ऐड किया था जैसे मैंने आधे घंटे तक इसको भिगा के रखे थे। तो अब हम दोनों को अच्छे तरह से भूनेंगे। इतना भूनना है कि जो दाल अभी चिपके हुए है ना एक दूसरे से वो अलग हो जाए। यहाँ पे मेरी दाल अच्छे से भून चुकी है, देख सकते हो आप, दाल जो है ना अलग अलग हो चुकी है। तो अभी हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले। मसाले में सिर्फ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, बस इतना ही हमको ऐड करना है। मसाला भूनते टाइम गैस की फ्लेम को धीमी आंच पे ही रखें, क्योंकि इसमें ऑयल नहीं है तो मसाला को हम धीमी आंच पे ही भून लेंगे। मसाला भून जाने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कटे हुए पालक, और पालक को एक अच्छे से मिक्स दे देंगे। उसके बाद थोड़ी सी पानी ऐड कर देंगे ताकि दाल जो है थोड़ी सी गल जाए, और ढक्कन लगा के उसको धीमी आंच पे छोड़ देंगे। करीबन 5 मिनट हम इसको ढक के पकाने के बाद हम इसमें अच्छे से एक मिक्स दे देंगे, और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। चिकन ऐड करने के बाद हम इसमें हिसाब से पानी ऐड कर देंगे। जितना आपको ग्रेवी चाहिए या ठीक चाहिए उस हिसाब से आप इसको रख सकते हो। क्योंकि दीपिका जी ने इसको राइस के साथ लिया था तो मैं भी इसको राइस के साथ ही सर्व करने वाली हूँ, तो मैं भी उसी हिसाब से ही इसका ग्रेवी रखूंगी। तो गाइस, हमारी जो दाल पालक या पालक दाल चिकन रेडी हो चुकी है सर्व करने के लिए। तो मैं इसको सर्व कर रही हूँ राइस के साथ, और इसको आप किसी के साथ भी खा सकते हो। एंड ये पता भी नहीं चलता ये कि विदाउट ऑयल बनी है, मतलब इसमें ऑयल ही नहीं है, पता ही नहीं चलता। आप लोग भी बनाइए और खाइए, और बहुत ही मजे की है। थैंक यू।